माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बहुत अच्छी सी सुबह हो रही होती है, तभी एक काले चश्मे वाला बच्चा प्रकट होता है। फिर प्रभु इसको वहाँ पे कुछ खतरनाक चीज दिखती है। प्रभु इसको पता चलता है कि वहाँ पे एक साइंटिस्ट है और वो उससे मदद मांगता है। प्रभु अगर तुमको हीरो ब्लाइंड को स्पॉन होने से रोकना है तो जाओ चांद पे और डायमंड सन कोर लेके आओ। फिर प्रभु चांद पे जाके डायमंड सन कोर नहीं लाता, उसके बदले वो कुछ और ले आता। वेट अ सेकंड, जो साइंटिस्ट के पास था वो है डायमेंशन कोर और जो मैं लेके आया वो डायमेंशन कोर। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, आई गेस मैं कुछ गलत चीज लेके आ। ओह नो, अब क्या करूंगा, दे दूं कैसे? चलो ना दे देते हैं, इसको कहां मालूम पड़ेगा, है तो चौथी फेल ही। ये ले साइंटिस्ट, ये रहे दोनों डायमेंशन कोर, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ठीक है। क्योंकि इसने मेरे को बोला है कि ये अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो देखती है वर्क करता है कि नहीं। और हाँ, मैंने उसको डायमेंशन कोर के बदले कुछ और दिया है एंड उसे मालूम भी नहीं पड़ा, बोला था ना चौथी फेल है। फिर हीरो ब्राइन कर लेता है प्रोबोस को ट्रैप और वो वहां से किसी तरह बाहर निकलता है। फिर वो देखता है कि हीरो ब्राइन साइंटिस्ट को किडनैप करके लेके जा रहा है। फिर प्रोबोस किसी तरह साइंटिस्ट को ढूंढता है। फिर अरे ये क्या हो रहा है, नहीं प्लीज, आई गेस हीरो ब्राइन ने देख लिया। प्रोबोस को पता चलता है कि हीरो ब्राइन देख नहीं सकता, इसी का फायदा उठा के साइंटिस्ट ने वहाँ पे रख दिया था नाइफ। फिर प्रोबोस साइंटिस्ट को छुड़ा के वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी अरे उठा क्यों? फिर प्रोबोस को वहाँ पे मिलता है नल और वो प्रोबोस को ट्रैप कर देता है और फिर प्रोबोस वहाँ से भी निकल जाता है। फिर यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू डाई और यू वर्क फॉर अस। शिट, ये क्या, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या फिर तो हमें यहाँ पे मरना होगा और या तो इनके साथ पार्टनर बन के काम करना पड़ेगा। ओह नो, मैं पहला ऑप्शन तो चूज नहीं कर सकता, बट अगर दूसरा ऑप्शन मना कर दूँ तो फिर तो मैं वैसे ही जाऊँगा, तो क्या मुझे इनके साथ काम करना चाहिए? फिर प्रोबोस को नल एक मिशन देता है कि जाओ और ज्यूस को मारो। फिर प्रोबोस ज्यूस को मारता है और उसको वहाँ पे मिलता है साइंटिस्ट और वो प्रोबोस को पोशन ऑफ डेथ देता है हीरो ब्राइन को मारने के लिए। फिर प्रोबोस को मिलता है जंकी। अरे यो, अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है जंकी? अरे मैं तो यहाँ पे वड़ा पाव खाने आया था। क्या यहाँ पे वड़ा पाव भी मिलता है? फिर प्रोबोस और जंकी हीरो ब्राइन के ऊपर वो पोशन डाल देते हैं। फिर आता है नल और पूरा गेम चेंज कर देता है। वेट, व्हाट, ये क्या किया, नल ने हीरो ब्राइन को मारा? उसके बाद नल जंकी को किडनैप कर लेता है। फिर प्रोबोस को मिलता है लियोग और वो दोनों जाते हैं एक बाबा के पास और वो था सैमुअल और वो नल को मारने का तरीका बताते हैं। फिर वो दोनों जंकी को लेके आ ही रहे होते हैं, तब लियोग को नल मार देता है। फिर प्रोबोस को पता चलता है कि जिस जंकी को वो वहां से लाए हैं वो बस एक क्लोन है। फिर प्रोबोस जाता है अकेले जंकी को छुड़ाने और वो ले आता है जंकी को वापस। फिर प्रोबोस और जंकी जाते हैं हीरो ब्राइन के बेस पे और उन्हें पता चलता है कि कौन है थर्ड बॉस। फिर प्रोबोस, जंकी और सैमुअल नल की वीकनेस का पता लगाते हैं और नल की वीकनेस थी आग। फिर वो लोग नल को मार देते हैं और जो थर्ड बॉस जिसे समझ रहे थे वो था केनी, सैमुअल का बेटा। और फिर उन्हें ये पता चलता है, ब्रो ब्रो बॉय, वे कौन है, कोई बुला रहा है क्या मेरे को? प्रोबोस, ओ केनी, प्रोबोस मैसली वाला केनी, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, जेनेसिस मुझे वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। जेनेसिस कौन है, जेनेसिस और कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? देखो जेनेसिस दूसरे। फिर प्रोबोस, जंकी, सैमुअल पता लगाते हैं जेनेसिस का और उसे लेके आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है थर्ड बॉस जेनेसिस नहीं, कोई और है। भाई ये थर्ड बॉस यहाँ पे क्या कर रहा है? वेट, थर्ड बॉस, अरे हाँ, क्योंकि जेनेसिस थर्ड बॉस नहीं है जैसे इसने बताया, ये तो बस शेंग से बदला लेना चाहता है, तो एक्चुअल थर्ड बॉस ये है। और थर्ड बॉस जेनेसिस को मार देता है। फिर जंकी, प्रोबोस जाते हैं हीरो ब्राइन की स्वॉर्ड लेने और जब वो दोनों आते हैं तब वहाँ आता है ऑक्यूलस और वो जेनेसिस के पावर से उन्हें अपने माइंड के अंदर ले जाता है। फिर कुछ ग्लिच की वजह से वो लोग कहीं और पहुंच जाते हैं और वहां मिलता है उन्हें रे। ओ भाई, हेलो, सो क्या रहा है? वो सो नहीं रहे, तपस्या कर रहे। तो इसको जगाते हैं क्या हम लोग? यस यस, इनका नाम रे है, तो ए रे, उठ जा, ए उठ जा, ए अबे, ओ भाई,
क्या भड़क रहे हैं? सॉरी भाई। फिर वो तीनों जाते हैं किसी माउंटेन पे किसी चीज को लेने जिसे वो अपने स्वॉर्ड पे लगा सके और ऑकुलस को मार सके, पर वहाँ रे मर जाता है और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बस एक इल्यूजन था और रे को बस किडनैप किया गया था। प्रोबोस जंकी सैमुअल किसी तरह रे को ढूंढते हैं और वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तब उस जेल के वार्डन और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और प्रोबोस को नाचाते हुए भी अपने दोस्त को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पे हम सब खत्म हो जाएंगे, मेरा सबका अंत यहाँ पे निश्चित है। कूदने की कुछ भी कोशिश मत करना प्रोबोस। अच्छा ठीक है गाइस, आई गेस मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा। नहीं प्रोबोस, प्रोबोस क्या तू मर गया? यस जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। प्रोबोस नो, प्रोबोस वो एरो मार रहे, बच के प्रोबोस। हाँ मैं बच रहा हूँ, बच रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो जल्दी लाइक कर दो और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।